के क्या तर्क है और क्या चीजें सामने आई। न्यूज क्लिक्स की जो रिपोर्ट थी, ट्विंट की जो रिपोर्ट थी, सबसे गंभीर रिपोर्ट वो है कि 371 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जहां पे ईवीएम के वोट और वोट जो गिने गए और पड़े वोट उनका मिलान नहीं हुआ, वो आपस में टैली नहीं कर रहे। 371 अगर लोकसभा क्षेत्रों में जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए अगर इनका मिलान नहीं हो रहा है, ऐसी खबर आ रही है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है, मैंने उसमें चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखा और मुझे मालूम था कि उनका कोई जवाब है ही नहीं, न जवाब उनको देना है, उन्होंने किया क्या और वेबसाइट से सारे आंकड़े हटा लिए चुपचाप और इसके आगे कोई बात नहीं बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है, अब आप उनसे किसी भी प्रकार के इससे ज्यादा रिलीफ की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने कह दिया 5 से ज्यादा हम नहीं करा पाएंगे। सवाल ये है तर्क क्या देते हैं वो लोग, कहते साहब ये लोग टेक्नोलॉजी के खिलाफ है। पूछना यह चाहिए कि अमेरिका जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, जापान जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश, दुनिया के तमाम विकसित देश, तकनीकी रूप से हमसे ज्यादा विकसित देश, उन्होंने क्यों ईवीएम छोड़ दिया, वो बैलेट पेपर पे क्यों आ गए? क्योंकि उनके यहां गड़बड़ियां पाई गई। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित किया कि ईवीएम असंवैधानिक है, जो एक सबसे बड़ा झूठ चुनाव आयोग ने हम लोगों से बार बार बोला, उसको लेके जरूर उनसे पूछा जा सकता है। और वो झूठ ये था कि जब हम लोगों ने सबसे पहले बोला, पूछा जाके उनसे, जब सौरभ भारद्वाज जी ने असेंबली में उसको करके ईवीएम को कैसे हैक हो सकती है इसका डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था, जब हम लोगों ने जाकर उनसे पूछा कि भाई इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है क्या ये रीप्रोग्रामेबल है, क्या इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव हो सकता है, चुनाव आयोग ने बार बार कहा कि माइक्रो कंट्रोलर चिप जो ईवीएम की है वो रीप्रोग्रामेबल नहीं है, वन टाइम प्रोग्रामेबल है, ओटीपी है। अभी जो वेंकटेश नायक ने, जिसका जिक्र भी हमारे साथी कर रहे थे, वेंकटेश नायक ने जो आरटीआई के जरिए बीईएल से जानकारी ली है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से जो ईवीएम सप्लाई करती है, उसने बताया कि जो माइक्रो कंट्रोलर चिप यूज होती है ईवीएम में, जो एक एनआरआई कंपनी अमेरिका की है वो सप्लाई करती है, वो रीप्रोग्रामेबल है। बड़ा सवाल यह है कि अब तक चुनाव आयोग झूठ क्यों बोलता था, अब तक चुनाव आयोग ने इतनी गलत जानकारी लोगों को क्यों दी। जो एक साथी अभी हमारे जेएनयू के प्रेसिडेंट कह रहे थे कि उन्होंने सिंबल उसमें लगाने के लिए, ईवीएम में डालने के लिए सिंबल डालने के लिए, वीवीपैट में डालने के लिए कुछ कंपनी को हायर किया और वो उसके कुछ लड़कों ने काम किया, उन्होंने क्या गड़बड़ी नहीं की होगी या क्या कोई गड़बड़ी करने की संभावना है कि नहीं है, ये पूछना चाहिए। ईवीएम पे जैसे अभी आपने विधानसभा का जिक्र किया, जावेद भाई यहां पर बैठे हैं, राज्यसभा में हम लोगों ने बहस की ईवीएम के ऊपर और जितनी पार्टियां थी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सबने ईवीएम के खिलाफ बोला, सबने कहा बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, सारी बातें वहां पर रखी गई। दो दो मिनट का ऐसे मुश्किल से ऐसे लग रहा था कि जैसे हम लोग कोई अपराध कर रहे हैं। हाँ, दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलोगे, हाँ एक मिनट, हाँ दो मिनट, मतलब इस तरीके से वहां बोला गया कि हम लोग जैसे कोई अपराधी है वहां स्कूल में पढ़ने गए। जैसे वो हमारे चेयरमैन साहब को मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनके खिलाफ, उनके पद के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता हूं, लेकिन वहां पे दो दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलने दिया गया हम लोग। और ईवीएम पे एक बहस हुई, लास्ट में सबने बहिष्कार भी किया। जीवीएल नरसिम्हा राव जी आज की तारीख में राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी किताब की प्रस्तावना लिखी थी लाल कृष्ण अडवाणी जी ने और उन्होंने पूरे देश को बताया था, मैंने उनको धन्यवाद भी दिया राज्यसभा में कि आप दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति हैं, कम से कम हिंदुस्तान में तो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने देश को जागरूक किया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन इन बातों को आप बैलेट पेपर पे अगर देश के चुनाव को लाना चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ संभव है जन आंदोलन के माध्यम से। और इसमें राजनीतिक दलों को आप जितना अपने हिसाब से उपयोग कीजिए, इस्तेमाल कहना शब्द ठीक नहीं होगा, जितना अच्छा उपयोग कर लीजिए वो अच्छा है। जैसे ही आप राजनीतिक दलों को इसके प्रमुख चेहरे बनाएंगे, सारी कंट्रोवर्सी दूसरी तरफ चली जाएगी, सारी कंट्रोवर्सी दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, संजय सिंह, देखिए अन्ना आंदोलन के आप आर्किटेक्ट रहे हैं, है ना, तो मैं इसी आधार पे आप अपने अनुभव के आधार पर सजेशन दे दीजिए। मैं वही आपने तो कह दिया, वो एक बात तो सबके समझ में आ रही, सबके माइंड में मेरी राय है राजनीति के तौर पर, आंदोलन के स्टेप्स के तौर पर, जैसे एक यहाँ पर कॉन्क्रीट प्रस्ताव 9 अगस्त का आ गया, मैं बता रहा हूँ, थोड़ी अपने पूरी कर लेते हैं। मेरा ये कहना ये है कि हम लोग
कार्यकर्ताओं की संख्या के स्तर पे जितनी मदद कर सके या आंदोलन को बढ़ाने में जो भी सहयोग कर सके वो हमें करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दलों को जैसे ही आपके आंदोलन में पार्टियां घुसेंगी फिर वो ये कहा जाएगा कि ये जनता की डिमांड नहीं है, ये तो चंद राजनीतिक दल है वही इसको बढ़ा रहे। तो इसलिए इस बात की सावधानी रखते हैं। और मैं दिल से ये चाहता हूं, आज लोग महसूस भी कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। आप जिक्र कर रहे थे अभी किसी के 6 लाख वोट से जीतने का। दिल्ली की मैं घटना बताता हूं, यहां से वेस्ट दिल्ली से जो हमारे प्रत्याशी थे वो जिस गांव में जाते थे उनको लोग दौड़ा लेते थे, उनसे लोग सीधे वो बात नहीं करते थे, गांव में घुसने नहीं देते थे। एक बार उन्होंने पूछा भाई यहां पानी की समस्या का समाधान हुआ, गांव वाले चिल्ला पड़े, बोले ये काम आपने क्यों अब तक नहीं कराया, बोले भारत माता की जय, बस चले गए वहां से। तो उसका वीडियो भी वायरल हुआ। हर जगह विरोध झेलने के बावजूद वो आदमी 6 लाख वोट से जीता। तो शंका तो लोगों के मन में है, लेकिन इसको एक बड़ा आंदोलन बनाने के लिए अपने अपने घर से क्या चिट्ठियां लोग लिख सकते हैं चुनाव आयोग को जी, अपने अपने स्तर पे क्या स्कूल में कॉलेज में जो जो संस्थाएं हैं एनजीओज हैं जो ये चाहते हैं जन आंदोलन से जुड़े हुए लोग, चाहे वो किसान संगठनों के हों, चाहे मजदूर संगठनों के हों, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाले हों, चाहे वो रिक्शे वाले हों, चाहे झुग्गी वाले हों, जो ये तमाम मजदूर वर्ग के लोग हैं जो आज महसूस कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 2014 में तो कहीं ना कहीं लगता था कि मोदी की कोई लहर है, 19 में बिल्कुल नहीं लगता था। जो सरकार बेरोजगारी पे काम नहीं करती, जो सरकार 15 लाख पे झूठा वादा करती है, जिस सरकार के राज में 95 रुपए लीटर पेट्रोल बिका, 250 रुपए किलो टमाटर बिका, महंगाई आसमान छू गई, जो सरकार नोटबंदी लेके आती है, जीएसटी लेके आती है, इतने सारे गुनाह करने के बावजूद इतने प्रचंड बहुमत से जीतती है। तो हर व्यक्ति के मन में ये सवाल है, उनको इसके साथ जुड़िए। वो फेसबुक पे सोशल मीडिया पे वीडियो बना के इसके विरोध में कैसे वो अपना योगदान दे सकते हैं। आज जितने भी एनआरआई हैं वो फोन करते हैं, उनकी सबसे पहली चिंता रहती है तुम लोग चुनाव तो लड़ने जा रहे हो यार, लेकिन अगर ईवीएम में खेल हो गया तो क्या। तो इससे मतदाताओं का मनोबल भी डाउन हो रहा, जो आपको वोट देना चाहते हैं उनके मन में एक ऐसा डर आ गया यार वोट तो देंगे पता नहीं इनको जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसके लिए जरूरी यह है कि इसको बड़ा जन आंदोलन बनाने के लिए जनता की भागीदारी, वो चाहे पत्र विरोध के रूप में हो, वो चाहे अपने घर पे एक बैनर लगाने के विरोध के रूप में हो, वो चाहे सड़कों पर उतरकर 9 अगस्त के आपके आंदोलन में शामिल होने के रूप में हो, हर स्तर पे इसको कैसे आप एक व्यापक अभियान और आंदोलन बना सकते हैं, उसी के बाद बैलेट आएगा। सुप्रीम कोर्ट से माफ कीजिए बिल्कुल नहीं आएगा, चुनाव आयोग से माफ कीजिए बिल्कुल नहीं आएगा, मोदी जी की सरकार से माफ कीजिए वहां से कोई प्रस्ताव पारित करने की या किसी प्रकार से नहीं आएगा। वो तभी आएगा जो 10 लाख आंदोलन 10 लाख लोगों के आंदोलन की बात आप कहें, जिस दिन 10 लाख तो बहुत बड़ी बात है, 2 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पर आ जाएंगे उस दिन मजबूर होकर सरकार को और राजनीतिक पार्टियों को इसका प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा था कि ये कवायद चुनाव आयोग वाली जो थी वो पूरी तरीके से निरर्थक थी। 10-10 बार हम लोग मिले, 22-22, 23-23 पार्टियां उनसे मिले, वो कुछ नहीं सुनते हैं। ईवीएम के हैकेथॉन के लिए उन्होंने चैलेंज दिया, वो क्या था, वो कह रहे थे ईवीएम देखिए, हाँ भाई बताइए इसमें कैसे गड़बड़ी हो सकती है। अब कोई मंत्र पढ़ते ईवीएम में गड़बड़ी करेगा भाई, आप उसको खोलने दीजिए देखने दीजिए कहां गड़बड़ी हो सकती है, तब उसको हैकेथॉन का मतलब है आप ओपन चैलेंज दीजिए ईवीएम को, हम कहां कैसे गड़बड़ कर सकते हैं वो हम आपको करके दिखा देंगे। लेकिन आपने हैकेथॉन किया और उसमें चैलेंज में आपने कहा दूर से देख के बताइए इसमें कहां से गड़बड़ी हो सकती है, और ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। भिंड में क्या हुआ, वोट किसी पार्टी को पड़ रहा है, जा रहा है बीजेपी को। कानपुर में क्या हुआ, वोट किसी पार्टी को पड़ रहा है, जा रहा है बीजेपी को। अरुणाचल में, धौलपुर में, पुणे में, मुंबई के अंदर जहां जहां गड़बड़ी पाई जाती है वोट बीजेपी को जाता है, कहीं दूसरा कोई मामला नहीं हुआ। लेकिन आप चुनाव आयोग से बात कीजिए, कहते हैं उस पर रिपोर्ट डाली साहब, रिपोर्ट डाली और ऐसी कोई बात नहीं थी। ईवीएम कहते हैं हमारी बहुत सिक्योर तरीके से रखी जाती है, सिक्योरिटी को कोई भी खतरा नहीं है, फिर ईवीएम हाईवे पे कैसे मिल रही है, ईवीएम भाजपा नेता के होटल में कैसे मिल रही है, ईवीएम कैराना में बीमार कैसे हो जाती है, कहते हैं उसको सर्दी लग गई, उसको बुखार आ गया, उसको गर्मी लग गई। तो ये जो पूरा एक मजाक के तरीके से तर्क चुनाव आयोग का आता है ये भी बहुत हास्यास्पद है। हम लोग
पार्लियामेंट के जरिए जो बन पड़ेगा, जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाना है वहां हम लोग उठाएंगे इस मुद्दे को मजबूती से। सड़क पर जन आंदोलन के साथियों का जो भी सहयोग समर्थन करना होगा निश्चित तौर पर करेंगे। और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, जैसे ही आप इसमें बड़े नेताओं को अपने इस आंदोलन में शामिल करेंगे, इसके फेल होने की संभावना ज्यादा है, सफल होने की संभावना कम है। ये बात मेरी सुनने में हो सकता है बुरी लग रही हो, लेकिन हकीकत यही है। इसको जन आंदोलन बनाइए, इसको घर घर से इसके विरोध में आवाज उठे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बहुत धन्यवाद। नहीं, मुझे मुझे केवल इसमें इतना कहना है